9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसे इस राष्ट्रीय संघ ने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिवस आदिवासियों के सम्मान में मनाया जाता है। इसके माध्यम से आदिवासी संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलता है। इस मौके पर देवघर में मूलवासी आदिवासी कार्यक्रम के तहत आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जुलूस निकाला गया। आदिवासियों ने ढोल नगाड़े के साथ हाथों में पोस्टर लेकर एक तीर एक कमान सब आदिवासी एक समान का नारा लगाते हुए जुलूस निकाला। इस मौके पर आदिवासियों की परंपरागत नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। अच्छा, जुलूस किस लिए है? आज का जुलूस आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में निकाला गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 1994 से विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होता आ रहा है विभिन्न शहरों में, और ये देवघर में दूसरी दफ़ा हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोगों ने पहला 2022 में निकाला था और ये हमारी दूसरी बार निकाल रहे हैं। हमारा इस जुलूस का समारोह का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संविधान के तहत जो भी हमें अधिकार मिले हैं वो सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। इसमें किसी तरह की छेड़खानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो अधिकार है, शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, कहीं भी काम करने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, आरक्षण का जो भी अधिकार मिला है वो सारा चीज़ मतलब आरक्षण संरक्षण होना चाहिए। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से ये मानते हैं और अपने खास करके अपने समुदाय के आदमी को ये जागृति के लिए हम ये जुलूस निकाल रहे हैं कि हमारा संगठित रहें, वो जाने कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं वो हमें लेना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगजीवन मुर्मू, मैं आदिवासी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ। वहीं इस मौके पर देवघर के कुमैठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी आदिवासी खिलाड़ियों के लिए एथलीट के विभिन्न वर्गों में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता का देवघर DC विशाल सागर और देवघर DDC कुमार ताराचंद ने उद्घाटन किया। देवघर DC ने सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आदिवासी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। DC विशाल सागर ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर सभी जिलों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में देवघर के कुमैठा स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि आदिवासी खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में विश्व आदिवासी दिवस के लिए 9 अगस्त को निर्धारित किया गया। राज्य सरकार के स्तर से गत वर्ष से बड़े भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और इस वर्ष भी राजधानी के अलावा जहाँ पे कि एक सबसे भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है उसके अलावा सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देवघर जिला के अंतर्गत आज 9 अगस्त को यहाँ पे कुमैठा स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद योजना का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्यतः फुटबॉल की टीमों के द्वारा भाग लिया जा रहा है और एथलेटिक्स की विभिन्न श्रेणियों में इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। ये कल भी 10 तारीख को भी आयोजन रहेगा और हमारा ऐसा प्रयास है कि जिला के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो आगे चल के राज्य और देश में नाम रोशन कर सकें। इसके कल एक आयोजन किया जाएगा जो कि शिल्पग्राम नंदन पहाड़ पे किया जा रहा है, जिसमें कि मुख्यतः सांस्कृतिक और जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उससे रिलेटेड वहाँ पे आयोजन किए जाएंगे। और हमारी अपील है सभी जिलावासियों से कि वहाँ पे आएँ और जो लोकल आर्टिशंस हैं उनका मनोरंजन करने का। वहीं इस अवसर पर आदिवासी युवा मोर्चा के द्वारा मैकलूसीगंज और खलारी में भी जुलूस निकाला गया। बताते चले कि खलारी बाजार टार पेट्रोल गोदाम स्थित सरना स्थल पर पूजा किया गया और साथ ही पौधारोपण भी किया गया। लाइव इंडिया हरपल के लिए देवघर से कुलवंत कुमार और खलारी से परवेज आलम की रिपोर्ट। 9 अगस्त को हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं। इस शुभ अवसर में पूरे झारखंड एवं छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार जितने भी लोग आदिवासी पर
आज जीवन यापन कर रहे हैं जो जल जंगल जमीन पर, उन लोग आज खुशियां पर्व मना रहे हैं। और इस संबंध में हमारे आज इस क्षेत्र में जो भी आज हम लोग झारखंड में हैं, तो हमारे झारखंड सरकार द्वारा अवकाश के एक नीति बनी जो 2022 के थी, आज पता चल रहा है कि जो छुट्टियां हैं अवकाश पर जो गवर्नमेंट पर है, मगर फिर भी इस दिशा पर हम लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड सरकार जो भी आदिवासी हैं उनका प्रोग्राम एक रांची मोराबादी में हुआ और एक प्राइवेट गवर्नमेंट के हिसाब से एक छोड़ा गया कि गांव-गांव में एक आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस पर हम लोगों ने इस विचार को करते हुए आज हम लोग पूरा खिलारी में अपने आदिवासी भाइयों के साथ एक मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से अपना एक परिचय दिए। और मैं आने वाला समय में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी के तहत जो भी योजना के तहत जो भी अवकाश या सरकारी छुट्टी दिया जाता है उस पर कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट जो भी कंपनियां हो बंद कर दे, ताकि आदिवासी के बाल बच्चे वहां पर अपना रोज़गार के लिए जाते हैं। इसलिए अगर रोज़गार अगर दब गया और उसका माए बाप जो भी समस्या पर जाते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, इसलिए हम लोग आदिवासी से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर संज्ञान में है और हम यहाँ के क्षेत्र आमाम तमाम जितने भी प्रिंसिपल अध्यापक कंपनी योजना जो सबसे आवेदन करते हैं कि हमारे 9 अगस्त दिन को जो भी झारखंड सरकार से लेके भारत सरकार पर जो भी निर्णय किया गया है छुट्टी अवकाश के लिए उस पर विलम्ब हमारे इस आदिवासी के दिन अवकाश छुट्टी मिल जाए, इतना बहुत कहते हुए अपना वक्तव्य को धन्यवाद देता हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी दिवस।